हेड मूवमेंट्स। आपके सामने गेस्ट बैठा हुआ और बातचीत कर रहा है और आप ऐसे बैठे हुए, उसको यह भी समझ नहीं आ रहा है कि कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है या आप कोई रोबोट हैं जिसकी तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, तो उसका इंटरेस्ट लूज कर जाएगा। मगर अगर आपके सामने गेस्ट आपसे बात कर रहा है और आप उसकी बात सुनते हुए अपना सर, अपनी सर की जिस्म की मूवमेंट से उसको बता रहे हैं कि आप सिर्फ उसकी बात सुन नहीं रहे बल्कि आप उसकी बात में बहुत इंटरेस्टेड भी हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जी जी सर, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। अल्फाज कम से कम रखें क्योंकि उससे उसको डिस्टर्बेंस होगी, मगर अपनी हेड मूवमेंट्स इसको कंटिन्यूस रखें ताकि उसको ये पता चले कि आप सिर्फ उसको सुन नहीं रहे बल्कि आप उसकी बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं और उसको इस चीज़ का भी यकीन रहे कि आपका कनेक्शन डिसकनेक्ट नहीं हो गया है। क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ इंटरव्यूअर्स अपनी हेड मूवमेंट नहीं रखते और पीछे उनका कनेक्शन डिसकनेक्ट हो चुका होता है और गेस्ट को पता भी नहीं चलता कि इंटरव्यूअर वहाँ पर मौजूद ही नहीं है और वो सुन ही नहीं रहा। तो आपकी हेड मूवमेंट्स आपकी ओवरऑल कन्वर्सेशन को एक्साइटिंग और मज़ेदार बनाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट और ऐड करूँगा मैं यहाँ पर, अपने अंदर एक अच्छी एनर्जी रखें, डल ना रहें। जी सर, क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आपने अपना बचपना कहाँ गुजारा? ये एक डल वे है बात करने का, ना तो आपको मज़ा आएगा, ना आपके गेस्ट को मज़ा आएगा और ना ही आपकी ऑडियंस को मज़ा आएगा। सर, क्या आप मुझको ये बताना पसंद करेंगे कि आपका बचपना कहाँ गुजरा? मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपने अपनी बचपन की जो ज़िंदगी थी, जो चाइल्डहुड था, वो आपने कहाँ गुजारा? आपकी फैमिली कैसी थी? आपके कितने भाई बहन थे? आपने कहाँ पढ़ाई की? ये डिफरेंस है बात करने का। एनर्जी रखें अपने अंदर, ज़रूरी नहीं है कि तेज़ बोलें, अच्छी एनर्जी रखिए। वो एनर्जी आपकी शिफ्ट होगी आपके गेस्ट के अंदर और गेस्ट से वो एनर्जी जाएगी किसके अंदर? ऑडियंस के अंदर।